नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। अब आज आप लोगों के लिए मैं एक अपने बारे में ही बताऊंगा, अबाउट मी और अबाउट चैनल। कि मैंने देखा कि बहुत से लोगों की फीडबैक आ रही थी कि आप डॉक्टर हैं या वैद हैं क्या हैं, तो इस तरह के कमेंट आ रहे थे और लोगों ने फ़ोन करके पूछा। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ कि मैंने जो है मैं ना तो कोई वैद हूँ ना ही कोई डॉक्टर हूँ, जो आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं किसी फर्म में जॉब भी करता हूँ। जॉब के साथ ही मेरी बचपन से रुचि थी इन चीज़ों के बारे में सब जानकारी लेना, तो मैगजीन वगैरह पढ़ा करता था और भी जैसे गांव में बहुत लोग उनके साथ में बैठता जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अब तो उसमें से दो तीन लोग रहे भी नहीं हैं। तो बचपन से ही यह मेरी आदत थी कि आयुर्वेद का रुझान था और मैं अपने अपने कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उसको खुद ही ठीक करता था, बाहर नहीं जाता था। इन चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकली फिर अपने करता था इस तरीके से। अभी कुछ दो तीन साल पहले की बात है कि मैं मतलब लोगों के लिए, मुझे गांव में वैसे अलसी बाबा कह के बुगालते थे, क्योंकि मैंने जब फ्लैक्सीड जिससे बोलते हैं अलसी के बारे में सुना था कि जो शाकाहारी लोग हैं उन्हें तो खानी चाहिए, बाकी भी लोग खाते हैं तो उससे बहुत हज़ार फ़ायदे हैं उसके। तो उसको मेरा काम था रोस्टेड करके लोगों को देना और लोगों को जागरूक करना ही खाओ। गाँव में बहुत सी औरतें थी गठियावाई वगैरह इन चीज़ों में, मैंने अलसी पाया और ऐसी निरगुंडी का पेड़ मेरे पास था, सहजन का पेड़ था, तो इनके बारे में मैंने छानबीन करा और इन पर काम करता रहा धीरे धीरे। और इनका रिजल्ट इतना अच्छा है, लोग फिर ऐसे ही बोलने लगे कंपनी में भी, चाहे ऐसे भी सहपाठी लोग थे जो वो बोलने लगे कि आप जब इतनी जानकारी है तो आप इसे वीडियो बना के डालो और इनका बेनिफिट हो रहा है। तो इसी तरीके से मैंने, आपने देखा होगी, मैंने वीडियो बना के डाला और डालने को नॉलेज तो बहुत है पर नॉलेज से मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली कोई मेरे पे रिजल्ट नहीं है तो उस चीज़ का नॉलेज तो बेकार है, नॉलेज तो हर जगह भरी पड़ी है। अगर आप अभी यूट्यूब चलाएं तो नॉलेज ही नॉलेज मिल जाएगा, मैगजीन्स वगैरह पढ़ें, बस वो प्रैक्टिकल सही भी है नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ लें और उससे नहीं हो पाता ज़्यादा कुछ। तो मेरे पास इस समय भी दो तीन वैद्य लोग हैं, उनसे भी संपर्क करता हूँ, फ्राइडे को आते हैं वो, तो उनसे मिलता रहता हूँ, उनसे पूछता हूँ तो राय ले लेता हूँ। और जो पुराने लोग हैं और आयुर्वेद की हम बात करें तो अगर हम जो भयंकर बीमारियां उनको छोड़ दें और शल्य चिकित्सा को छोड़ दें तो आयुर्वेद घर घर में हमारे यहाँ विराजमान था, विद्वान था और लोग काम करते थे। घर की कितनी भी प्रॉब्लम होगी तो वो दवाइयों के पास नहीं जाते थे और आज की डेट में क्या हो गया, हम पूर्ण रूप से डॉक्टर पर डिपेंड हो गए। अगर हमें थोड़ी सी भी छींक आ जाए या जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, इस तरीके से हो जाए तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले 200 रुपये तो फीस ही लगनी है, उसके बाद फिर दवाई देनी है उन्होंने। और मेरा इन चीज़ों का काम करने का मकसद और था कि मैं हूँ जिस गांव में, गांव से बिलोंग करता हूँ, प्योर गांव में मेरे और मेरे पे कम से कम हज़ार घर है, तो उसमें से कम से कम 700-800 जो परिवार हैं वो 1000 लोग हैं मेरे गांव में, तो उसमें से 700-800 लोग जो हैं वो करीब करीब मज़दूर आदमी हैं। तो उन लोगों का क्या होता है कि वो दिन भर में बमुश्किल 200 से 300 रुपये दिहाड़ी करते हैं और वो भी रोज़ उन्हें काम नहीं मिलता खेतों में, तो उन लोगों का डॉक्टर के पास जाना तो वो जाते नहीं है, वो झोला छाप डॉक्टर के पास इधर उधर चलेगा और वहाँ पे कर लेते थे। और जब उनकी भयंकर बीमारी जाए तब जाते थे, तो मैं उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजता था और बाकी अगर घरेलू कोई इलाज हो सकता तो वो बता देता था, लोग पूछने आते थे। और ये मेरा इसी तरीके से मेरी आदत बन गई और उसमें शुमार हो गया और मैं इन लोग देने लगा। और आप यकीन नहीं करोगे, वैसे इस काम को करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ये काम कोई पैसे के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास सैलरी भी अच्छी खासी है, मेरे पास ज़मीन भी अपनी तो 1-2 एकड़, लेकिन पिताजी 25-30 एकड़ बोते हैं। तो यानी लोगों ने बोला कि पैसे के लिए आप काम कर रहे हो, तो भाई पहले आप लोग आपके बता दूँ कि मैंने पैसे के लिए कोई काम नहीं करा, वीडियो नहीं बनाया, 6 महीने ऐसे ही वीडियो चलाया, मैं दिसंबर एडसेंस लगाया, वो भी लोगों ने बोला आप जब वीडियो डाल रहे हो तो इसमें एडसेंस क्यों नहीं लगा लेते हो, आपके 22,000 व्यूअर हो चुके हैं, 400-500 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो मैंने कहा यार फिर मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने एडसेंस लगाया 22 दिसंबर को और वीडियो आप देख रहे होंगे तो मेरे काफ़ी दिनों से बन रहा है। तो इस तरीके से मेरा बहुत अच्छा प्रयोग हुआ। और फिर मैंने अभी प्रोस्टेट कैंसर के दो लोग थे जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर दिखा चुके थे, उनका प्रोस्टेट कैंसर सही करा था, अलसी सही, उसके बाद भी गठिया भाई का इतना अच्छा रिजल्ट आया, मैंने निरगुंडी का काम करा, फिर अपराजिता करा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे राजीव दीक्षित जी की बहुत ही अच्छी लगती है और उनको ही मैंने आदर्श मान के काम स्टार्ट करा था और उनके ही बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ कि आप बस पब्लिक सेवा करते रहो, आपको कुछ वो मतलब लालच में मत पड़ो, वही मेरा अपना ध्येय रहता है कि जो जानकारी मुझे है मैं वो आप लोगों को शेयर करता रहूं। लेकिन अभी रात भी फ़ोन आया था मेरे पास कि कोई पूछा था आप डॉक्टर हैं, मैंने कहा नहीं मैं डॉक्टर नहीं। और भाई साहब यकीन मानिए मेरे, आप चैनल आप खुद कमेंट उसमें जाके चेक करिएगा, गठिया रोग जो अपराजिता के पत्ते से, उसमें अभी उन्होंने मुझे नाम इसमें याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इतना था लिखा कि मैं 90% इससे मुझे रिलीफ मिला है, इतना 90% मुझे रिलीफ मिला, कितने दिन में मिला मैं उनसे पूछना भूल गया, अभी संपर्क करना है कि वो अभी ज़्यादा दिन तो वीडियो डाले भी नहीं हुआ है। और 90% रिलीफ का मतलब आप जानते ही, आज की डेट में गठिया और ये उनको जो भी था जॉइंट फैन था, उनकी उंगलियाँ टेढ़ी रहती थी, सीधी नहीं होती थी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने फीडबैक दिया मुझे। और इस तरीके से अभी 2-3 लोग हैं ऐसी जो दाँत की मैंने वीडियो बना रखी, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, यूरिक एसिड का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लोग उसमें कह रहे हैं कि आप ही बना के दो। अभी मैंने कहा ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता,
और इस तरीके से बहुत ही बहुत कुछ है। मैंने अगर ये प्रोडक्ट लोग मांग भी रहे हैं तो मैं अभी वैसे आप आसपास लोग उन्हें दे देता हूँ, मटेरियल अवेलेबल करा सकता हूँ, बट उन्हें बना करके पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहा हूँ मैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखते इस चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को फैलाइएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको नुकसान करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। होने को नॉलेज बहुत होती है, बहुत सी जड़ी बूटी है, आप देख सकते हो। मैं इस समय अपने खेत में खड़ा हूँ, यहाँ पर ये आप इस फूल वाले पौधे को देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। मैं इसको आपसे अलग से बताऊंगा इसका कितना यूजेज होता है, आप अगर आप जान जाएंगे इसके बारे में तो आश्चर्यचकित ले जाएंगे। लेकिन मेरे पर लैब नहीं होने के बाद या कोई डॉक्टर नहीं है वो नहीं, इसलिए मैंने इसे अभी हाईलाइट नहीं करा किस काम में आता है। ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे पे यहाँ पे कड़ी पत्ता है और ये बहुत सी जंगली जड़ी बूटियाँ हैं, खेतों में पड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों का क्या करना है कि वेस्टेज आ रहा है, तो इन चीज़ों का नॉलेज को अगर मुझे है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और मेरा मकसद है कि आप जड़ी बूटी और इन चीज़ों से ही सही हो जाएं और आप घरों में लगाएं, इन पेड़ पौधों का संरक्षण करें। क्योंकि बुजुर्ग लोग पहले बताते नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन बताते हैं, दवा बताते हैं, जड़ी बूटी वो कहते हैं लगेगा नहीं, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है उनसे, तब बताते हैं पूरा प्रैक्टिकली। तो आप लोग इन लोगों का संरक्षण करिएगा और आप देख सकते हैं कि कम पैसे में ही आप लोगों का आप छुटकारा पा सकते हैं। और ये आपके लिए बेनिफिट है, पूरी परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है। जहाँ पे जो औषधियाँ हैं आप उनका प्रयोग करिए, और पूरी दुनिया आप देख रहे होंगे इसमें आयुर्वेद पर डिपेंड हो रही है। और हमारे भारतवर्ष में इतनी जड़ी बूटियाँ की पूछिए मैं हर प्रांत में अलग अलग मिल जाएगा। तो लेकिन इनके नॉलेज ना होने की वजह से, दोहन हो जाने की वजह से ख़त्म होते जा रहा है। और हम लोग खेतों में भी अब लोग क्या कर रहे हैं कि अब निराई गुड़ाई कुछ नहीं करवाते हैं, सीधे घास मारने की दवाई आती है, राउंडअप वगैरह जो होता है वो डाल देते हैं, यानी पेड़ों पर डाल देते तो पेड़ भी सूख जाते हैं। और ये सामने देख रहे होंगे सबने डाल रखे हैं, लेकिन पेड़ में सब घासें ख़त्म हो गई, नहीं तो यहाँ पर जंगल पूरा हो जाता है बरसात में। तो इनका बचाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो इनके गमले में लगा रखा है, अपने घर में बैठकर बना रखी है, वहाँ पौधे लगा रखे हैं बहुत सारे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन पेड़ पौधों को लगाइए, पेड़ पौधों को लगाइए और आप इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और आप अगर कुछ भी कमेंट या उसके माध्यम से पूछना चाहते हो, कमेंट के माध्यम से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल भी आते हैं, आप भी करते रहिएगा। और फिर मैं सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, या जो कमियाँ उसको भी लिख सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आपके लिए सही और अच्छी तरीके से मिले और आपके समझ में आ जाए। और एक्चुअली मेरे पास क्या है कि मेरे पास भी कोई लैब ना होने की वजह से कोई अभी मैंने ज़्यादा वो इस पर काम भी नहीं किया है, कि नहीं तो, और थंबनेल भी मैंने अब ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे फीडबैक आया था कि जैसी रियल वीडियो वैसी दिखाई है, इसमें ऊपर से थंबनेल मत दिखाई हो, और जो इसके हेडिंग्स है वो आप नॉर्मल रखिए जिस प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग हेडिंग्स ऐसी डाल देते हैं कि पूछो मत, लगता है पता नहीं क्या होगा, जब वीडियो अंदर खोले तो कुछ नहीं निकलता है। तो इस तरह मेरे पे जो फीडबैक उसी आधार पे कर रहा हूँ और सारे ओरिजिनल वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई भी मैं उसमें बनावटी और वो नहीं करूँगा। और आगे से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9917535047 जो कि मैंने उसमें दे रखा, उस पर आप व्हाट्सएप पे भी आप सब्सक्राइब कर व्हाट्सएप भी ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा होगा, मैंने एक आयुर्वेद ग्रुप बनाया जिसमें उसमें डालना है, उसमें आप लोग अपने अगर किसी को कोई नॉलेज है कोई जानकारी है तो वो डाल सकता है। अगर वो वहाँ पर उसके यहाँ अवेलेबल वो चीज़ नहीं है तो हम कोशिश करेंगे वो मिले और हम उसे प्रैक्टिकल कर देखें कि क्या उससे बेनिफिट होता है नहीं होता है। तो आप लोग उस आयुर्वेद ग्रुप से जुड़िएगा और उस ग्रुप में आप लोग अपने भी नुस्खे वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि जो मुझे पता है वो आपको भी पता होना चाहिए। कुछ लोग होंगे जब मेरे पे इस समय सब्सक्राइबर मेरे 1200 पार हो चुके हैं, तो उनमें से अगर किसी 10-20 पे भी कोई नुकसान है तो वो उस पर डाल सकता है, शेयर कर सकता है। इस तरीके से फेसबुक में मैंने आयुर्वेद एंड हेल्थी फूड करके ग्रुप बनाया है, तो उसमें आप लोग शेयर करते रहिएगा, जिससे कि हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और एक दूसरे की जानकारियाँ शेयर करते रहेंगे, और आप खुद भी निरोग रहेंगे, दूसरे को भी रखेंगे, जैसा कि मैंने बोला अपना देश समाज सब निरोग होगा और फ़ायदा होगा। और मैं आप लोगों को बताऊं कि इस काम को आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। पैसा तो कोई कितना भी कमा लेता है, लेकिन जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो सेवा करने से मिलता है, चाहे वो किसी रूप में हो। तो मानव सेवा और आप कर सकते हैं, और भी आप कर इन चीज़ों में आप लोग ध्यान रखिएगा और करिएगा। और मैंने एक चीज़ और भी गौर किया था कि मेरे पे आया था कि व्हाट्सएप जैसे ग्रुप में आया तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और वीडियो डालूँ, और अभी आज भी मेरे पे 3-4 लोग मिले थे, बोले हमें भी ज्वाइन करिए। तो अब जो मेरा अपना फेसबुक ग्रुप है और पेज भी बना रखा है, तो उसको भी लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, ताकि अधिक से लोग मिले जिसके थ्रू मैंने कर रखा है। और मैं आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे अच्छी हो चाहे बुरे, उसमें हो सकता है कि इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़े, आप कर सकते हैं। और आप लोगों के अनुरूप ही और अनुरूप ही मैं काम करूँगा, और जैसा भी होगा आगे आपको फीडबैक देते रहूँगा। और अभी आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं जैसा आपको बोला कि मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, मैं उसके बाद ही उससे पहले वीडियो डालने की कोशिश नहीं करता हूँ, जब तक कुछ उसका रिजल्ट आ जाए तभी डालता हूँ। और अभी जो ये मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी मैं इस पर 3 सालों से कम लगा पड़ा हूँ, और आप लोग इसको देख रहे हैं बहुत अच्छा।
आप लोग देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों करिएगा, और मानव सेवा जो गरीब मजदूर लोग हैं उनसे बताइएगा। और बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो बेचारे कम पैसे कमा रहे हैं, 200-300 रुपये कमा रहे हैं, उन्हें और बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाने का वो पता है लाखों रुपये खर्चा है। और एलोपैथ में तो हर चीज़ का ऑपरेशन ही बोल देते हैं, अगर गांठ हो गया तो ऑपरेशन, जोड़ों में दर्द है तो ऑपरेशन, अगर कोई जख्म वगैरह है तो उसमें भी प्रॉब्लम, जबकि हमारे पास ऐसे ऐसे घास फूस है जिनसे हम कितने भी भयंकर जख्म वगैरह सही कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने फूड में अलसी जो फ्लैक्सीड है उसको शामिल करें, और ख़ासतौर से जो शाकाहारी लोग हैं वो करें, क्योंकि पूरी वनस्पति जगत में अगर ओमेगा 3 पाया जाता है तो फ्लैक्सीड में ही पाया जाता है, और ये हमारा 100% पनीर में ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे कुछ जल में घुलनशील होते हैं बसा में, इस तरीके से अब जो फ्लैक्सीड है वो पनीर में घुलनशील है, और आप उसको पनीर अगर सब्ज़ी बनाते हो उसमें डालिएगा और खाइएगा, और आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और इसी के साथ में आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद और नमस्कार।